और अभनपुर में गोबरा नवापारा में मिनी स्टेडियम निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 5 साल पहले पालिका द्वारा 15 लाख रुपए से भी अधिक की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। वह इतने वर्षों में स्टेडियम में कोई खेलने तक नहीं आया है और ऐसे में ये स्टेडियम उपयोगहीन साबित हुआ है, जिसे पालिका ने पूरी तरह भुला दिया है और स्टेडियम जर्जर होकर खंडर में तब्दील हो गया। वहीं अचानक पालिका ने इस अनुपयोगी स्टेडियम में गैलरी निर्माण के नाम पर फिर से 1 करोड़ 17 लाख की राशि स्वीकृत करा ली है, जिस पर लोगों ने शासकीय पैसों की फजूल खर्ची और अधिकारियों की कमीशनखोरी का खेल बताया है। वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष स्टेडियम के गलत स्थल चयन की बात स्वीकार कर रही है और स्टेडियम को जीर्णोद्धार के बाद खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने की बात कर रही है। तो राशि स्वीकृत कराया गया है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है और अभी मुझे यहाँ के जो भी गणमान्य हैं या जिन जो जिम्मेदार लोग हैं ये बता दें कि वहाँ पर ऐसा कोई आयोजन हुआ हो। ऐसा कोई आयोजन हुआ नहीं है और 1 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराने के पीछे घोर भ्रष्टाचार नजर आ रही है, जिसमें कमीशनखोरी का खेल झलक रही है। 15 साल पहले से उन्मुक्त खेल मैदान बना हुआ है, फंड आया था, लेकिन अभी तक वहाँ इस समतल मैदान समतल ही नहीं हुआ जिसका उपयोग खिलाड़ी कर ही नहीं पा रहे हैं। और शहर से दूर खेलने के लिए क्रिकेट, खास करके क्रिकेट प्रेमियों को खेलने के लिए आसपास के खुले मतलब समतल मैदान में जाना पड़ता है। हमारे बाद ये हमारे रहते, हम तो पूरा यह प्रयास करेंगे कि जो भी अध्यक्ष है, जो भी बॉडी है, उस 1 करोड़ 17 लाख से पूरी ईमानदारी के साथ यदि वहाँ काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये हमारे नगर के युवा साथियों के लिए वो मैदान मील का पत्थर साबित होगा।